तो यार सडनली अगर आप लोगों के लैपटॉप से कर्सर डिसअपीयर हो जाए, दिखे नहीं, टचपैड भी आपका काम नहीं करे, तो आपको क्या करना है? एक सिंपल सा सॉल्यूशन जो है मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिया था, जहां आपको मैंने बताया था कि कैसे आप लोग जो है टचपैड को ऑन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मिले और आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला, लाइक्स मिले वीडियोज़ पर। बट जो सिमिलर कमेंट्स आई हैं उसके अंदर वो ये आई है कि सर विंडोज़ 11 के अंदर अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस मेरे पास भी जो है विंडोज़ 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल में। तो आपको दिखाता हूँ कि अगर इस पर भी अगर आपका कर्सर गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है और आपकी टचपैड काम नहीं करती है, तब आप लोगों को क्या करना है। सो जैसे ही मैं यहाँ टचपैड पर अपनी उंगली रखता हूँ और यहाँ से कर्सर को मूव करने की कोशिश करता हूँ, तो कर्सर जो है यहाँ से मूव नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, आपका विंडोज़ है इसको प्रेस करना है और यहाँ पर आप लोगों के आएगा विंडोज़ 11 का स्टार्टअप मेन्यू। यहाँ पर आएगा आपका विंडोज़ 11 का स्टार्टअप मेन्यू। आपको यहाँ पर ना सर्च बार के अंदर सर्च करना है टचपैड। टचपैड जैसे ही आप सर्च करेंगे टचपैड सेटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है इस तरीके से आपकी जो एरोस की जो होती है ना उससे आपको मूव डाउन और मूव अप करना है। तो मूव डाउन करेंगे, मूव अप करेंगे, टचपैड सेटिंग्स पे जा करके एंटर पर क्लिक करना है। देन आप लोगों को जो है यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ना कर्सर तो मूव करेगा नहीं, तो सिंपली क्या करना है, आपको अपने जो टैब की है इस टैब की के माध्यम से ना आपको यहाँ पर आना है। लाइक ये जो ऑन एंड ऑफ है यहाँ पर आपको आना है। तो इसके लिए आपको सिर्फ टैब की दबाना है। जैसे आप टैब दबाओगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर जो है आ चुका है, ये कर्सर मूव हो रहा है। तो जैसे ही आपका टैब यहाँ पर पहुँच जाए आपको क्या करना है, सीधे अपने कीबोर्ड से ना स्पेस बार प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे ये टचपैड जो है ऑन हो जाएगा। अब सिंपली आप लोग जो आएंगे यहाँ पर देखेंगे कि टचपैड जो है काम कर रहा है, ये देखेंगे आप, तो कर्सर जो है यहाँ पर मूव कर रहा है। सो सिंपली इस तरीके से आप लोग जो है अपनी विंडोज़ 11 हो, 10 हो, कहीं पर भी जो है आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है इस सॉल्यूशन को यूज़ करके आप लोग जो है वापस कर्सर को लेके आ सकते हैं।